पुरकाजी प्रभारी निरीक्षक मुकेश कुमार गौतम द्वारा दोनों समाज के जिम्मेदार लोगों की मीटिंग लेकर प्यार भाईचारे के साथ त्यौहार मनाने की अपील की। कोतवाली परिसर में आयोजित मीटिंग में क्षेत्र के सभी जिम्मेदार लोगों को बुलाया गया, जिसमें प्रभारी निरीक्षक मुकेश कुमार गौतम ने लोगों से समस्या पूछी। इस दौरान प्रभारी निरीक्षक ने कहा कि त्यौहार का वातावरण प्यार का होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भारत की भूमि पर पैदा हुए हैं, एक दूसरे से सही भावना रखें। बैठक में नगर चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन, शहर काजी, बीजेपी नेता आदि सभी जिम्मेदार मौजूद रहे। हर त्यौहार सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न हो, आए दिन छोटी छोटी बात सांप्रदायिक स्वाद को लेकर मीटिंग हुई, क्या दिशा निर्देश क्या अपील की गई? इंस्पेक्टर साहब के द्वारा बाजी थाने में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें थाना क्षेत्र में पड़ने वाले ग्राम के ग्राम प्रधान, बाजी के चेयरमैन और मौजूद लोगों की एक मीटिंग आयोजित की गई है, जिसमें आने वाले त्यौहारों को लेकर इंस्पेक्टर साहब के द्वारा अपील की गई है कि जितने भी त्यौहार हैं वो शांतिपूर्वक तरीके से मनाए जाएँ, सभी लोग आपसी सौहार्द से मनाएं, किसी तरह का अगर कोई दंगा करने की या त्यौहार को बिगाड़ने का प्रयास करता है तो कानून और शासन प्रशासन उस पर कठोरतम कार्रवाई करे। इंस्पेक्टर साहब के द्वारा पुरकाजी के सम्मानित लोगों के द्वारा उनकी राय जानी गई कि आने वाले इन त्यौहारों को किस तरीके से और अच्छा किया जा सकता है और किस तरीके से इन त्यौहारों में शांतिपूर्ण तरीके से। आज पुरकाजी कोतवाल साहब द्वारा थाना प्रांगण के अंदर पुरकाजी और क्षेत्र के गांव देहात के जिम्मेदार लोगों को, जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया है और सभी को ये बात बताई गई है कि शासनादेश है कि जो भी जुलूस निकलेंगे, कोई भी कार्यक्रम होगा जिसके अंदर भीड़ का आयोजन हो, तो उसके अंदर जो आयोजक होगा वो एक अपना शपथ पत्र देगा और जिस रूट से जाएंगे या जहाँ भी कार्यक्रम होगा उसकी पूरी जानकारी देंगे और बिना जानकारी के कोई इस तरह के कार्यक्रम ना किए जाएँ। और कोतवाल महोदय द्वारा जनता के हित में ये भी कहा गया है कि तीन लोग जो मोटरसाइकिल पर चल रहे हैं बिना हेलमेट के चल रहे हैं, अभी तो उन्हें फिलहाल रोक के चेतावनी दी जा रही है, आगे से उनके खिलाफ चालान की भी कार्रवाई की जाएगी। दोनों ही प्रक्रियाएँ समाज के हित में अगर अच्छी दृष्टिकोण से की जाती है तो अच्छे हित में है। भाई तीन बच्चे अगर मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं, हमारे बच्चे हैं, कहीं गिर गए पड़ गए चोट लग गई, जब भी नुकसान समाज गई है और नियमों का पालन होना चाहिए। अच्छी पहले दोनों समाज के लोग, हाँ दोनों समाज के लोग थे, मौजूद थे। कोतवाल साहब ने अपनी बात कही है, सभी लोगों ने जो ग्राम प्रधान हैं, अन्य जनप्रतिनिधि हैं, बीडीसी हैं, जिला पंचायत हैं, सभी लोग मौजूद थे और बड़े प्यार से उन्होंने बात सुनी। कोतवाल साहब ने करीब एक घंटा पिछले मामलों का हवाला देते हुए, अपने पिछला जो उनका एक्सपीरियंस उसका भी हवाला देते हुए सारी बात कही। उन्होंने कहा गाँव के अंदर जगह जगह मीटिंग भी लूँगा, कस्बे के अंदर भी, मोहल्लों के अंदर मीटिंग लेके चाहूँगा कि कस्बे के अंदर स्वच्छता, सुरक्षा और शिक्षा का वातावरण बना रहे। तो अच्छी पहल, हम लोग पुलिस प्रशासन के साथ इस अच्छी पहल में साथ हैं।